हेलो गाइस, डाइवर्सली आर्टिस्टिक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमें देखना है कि गोल्डन रेशो क्या है और इसका हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली गोल्डन रेशो एक नंबर ही है जिसकी वैल्यू 1.61 के करीब है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1.6 ही मान लेते हैं और फिर हम इस रेशो को 8/5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 1.6 को अगर आप डेसिमल हटाएं तो 16/10 और थोड़ा काटा पीटी करें तो 8/5, ठीक है, 8/5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये रेशो नेचर में बहुत फॉलो होता है। मतलब कि आप पेड़ को देखेंगे तो पेड़ की स्टेम होती है, स्टेम और ऊपर जहाँ पे पत्तियाँ सारी हैं, तो इसके बीच में 8/5 का रेशो आपको मिल जाएगा। अगर आप थोड़ी ऑब्जर्वेशन लें, आपका काम आसान करने के लिए मैंने इंटरनेट से कुछ इमेजेस डाउनलोड करी हैं और वो सारी इमेजेस ये हैं। इन इमेजेस को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि गोल्डन रेशो हम किस तरह से किसी भी चीज़ में सेट कर सकते हैं। अब अगर इतनी फेमस चीज़ है तो ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। असल में बात यह है कि गोल्डन रेशो यूज़ करना एक चीज़ को घुसाने वाली बात है। मतलब आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, आपने ज़बरदस्ती उसमें गोल्डन रेशो डाल दिया। आप एक बहुत अच्छी इमेज इंटरनेट पर देख रहे थे पर आपने ज़बरदस्ती गोल्डन रेशो उसमें डाल दिया। तो वही सब चीज़ें मैंने इसमें भी करी अपने इस वाले आर्ट वर्क के अंदर, जो ये वाला आर्ट वाला, इसमें मैंने गोल्डन रेशो टेक्निक का यूज़ करा। आर्टिकल्स और वेंट्रिकल्स की पोजिशन मैंने गोल्डन रेशो से डिफाइन करी और वही सब चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं मेरी वर्क बेंच पे और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से गोल्डन रेशो टेक्निक का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और केवल एक आर्ट की इमेज ही नहीं, एक पोर्ट्रेट को बनाते हुए आपके उसको रेफरेंस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आइज़ आपको किसी और फोटो से उठानी है, नोज़ आपको किसी और फोटो से उठानी है और माउथ आपको किसी और फोटो से उठाना है, तो वो सारी चीज़ें भी आप गोल्डन रेशो से काफ़ी अच्छी जगह प्लेस कर सकते हैं और अपना काम काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं। अब मैं जो भी कर रहा हूँ उसको ध्यान से फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मेरी लाइन 26 सेंटीमीटर की रहेगी क्योंकि मुझे इसको 8/5 के रेशो में डिवाइड करना है, जैसा कि गोल्डन रेशो हमारा कहता है 8/5। 8/5 में भूलना नहीं है, ऊपर वाला पार्टीशन 10 सेंटीमीटर का, नीचे वाला 16 सेंटीमीटर का, और इस तरह से पार्टीशन पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली इस लाइन के इर्द गिर्द हमें एक पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और वो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड भी 8/5 का रेशो फॉलो करना चाहिए। लेंथ 26 और विड्थ 16.25। आप कैलकुलेटर का यूज़ करके इन सब लेंथ को आराम से निकाल सकते हैं। अब सब्सिक्वेंट छोटे पार्टीशंस के अंदर आपको रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते जाने, जैसे आपने बड़ा पार्टीशन ड्रॉ करा उसके अंदर 8/5 का पार्टीशन बनाया, फिर उससे छोटे के अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ करा, उससे छोटे के अंदर, और इस तरह से ये लूप कुछ 5 रेक्टेंगल्स तक अंदर तक जाएगा। आप चाहें तो बहुत अंदर तक जा सकते हैं बट उतनी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए मैं 1, 2, 3, 4, 5 रेक्टेंगल्स इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। फाइनली अब आपको गोल्डन रेशो कर्व ड्रॉ करना है, तो जैसा मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसा बनाइएगा। बहुत सिंपल है, एजेस टू एजेस ज्वाइन करना है, थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में रखेंगे तो आपके लिए आगे की ड्राइंग थोड़ी इजी हो जाएगी और अच्छी ही बनेगी। परफेक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप परफेक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप छोटे मोटे से काम चला सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक और पार्टीशन करने की ज़रूरत पड़ गई है थोड़ा और अच्छा आइडिया लेने के लिए कि मुझे पोजिशनिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर मेरा कर्व पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम में हमारे को अपने हार्ट की बाउंड्रीज बनाना है। कोशिश कीजिए कि आपका पूरा का पूरा हार्ट इस पूरे कर्व के अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाए, आप बाउंड्री से जल्दी से बाहर ना जाए। यहाँ पे वेसिकल्स बनानी थी मेरे को, वेसल्स बनानी थी तो मैंने थोड़ा बाहर कर दिए। ध्यान से देखिए, जो लेफ़्ट एट्रियम है वो बिल्कुल कर्व के ऊपर आया है और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको मैंने कर्व के बिल्कुल नीचे की साइड रखा है। राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम की पोजीशनिंग काफ़ी ऑब्वियस है, वो बिल्कुल भी परेशानी वाली बात है ही नहीं। अब यहाँ से जैसे ही आपके आउटलाइंस पूरी हो जाएं, अब आप हर्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो बहुत ही स्मूथ शेप के होते हैं, उनके अंदर बहुत हार्ड एजेस नहीं होते हैं, तो आप बहुत ही हार्ड एजेस नहीं बना सकते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर। बहुत ही सॉफ्टली काम कीजिएगा, हमें तेज़ी से ब्लेंड करते रहिएगा बीच बीच में, ताकि कोई भी हार्ड पॉइंट आपकी पूरी की पूरी ड्राइंग पे ना बने। जैसे कि अभी जैसे मैं आउटलाइंस बना रहा हूँ तो वो हार्ड पॉइंट्स नहीं बनने चाहिए। बाय द वे, यहाँ से आगे समझाने के लिए मेरे पास इतना कुछ है नहीं और मेरे ख्याल से अब आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो आप ध्यान से इस टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए और एंड में मिलते हैं, इस वीडियो के एंड में मिलते हैं, एंड में हम कुछ बात करेंगे।
अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि 70% लोग जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्या पता उनके भी किसी काम आ सके और वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थोड़ा हेल्प कीजिए और इन्जॉय कीजिए।